परिवार है जिसकी मां किसी के यहां झाड़ू पोछा करती है, पिता एक खेत में चौकीदारी करता है किसी किसान के यहां, मतलब जमींदार के यहां, हनुमानगढ़ किस्सा है। हनुमानगढ़ का एक परिवार था, अब तो वो परिवार बहुत एडवांस हो गया। 2004 में वो परिवार जब मेरे पास आया था तो उस लड़की की मम्मी किसी सेठ के यहां झाड़ू पोछा करती थी जो पिछले 2 साल तक कर रही थी। उसके फादर वहां एक सरदार के खेत में चौकीदार थे, तो आप सोच सकते हो घर की हालत क्या होगी। 2000 रुपए वो दोनों मियां बीवी कमाते थे, उनके 2 बच्चे, उनकी एक बच्ची 10th में उसका स्कोर आया 88%, और 10th करने के बाद उसको सेल से लेके आए। वो मैं सिम मुजाज भी याद है, सुबह सुबह 5:30-6 बजे हनुमानगढ़ से तो बसें आती हैं, लोग उतरते हैं सुबह आते हैं सेलट सेल से, तो वो सुबह 7 बजे जब मैं नीचे उतर मेरे घर से नीचे आया तो वो परिवार नीचे बैठा था। तो उनका साहब हमारी हमारी बच्ची को पढ़ाना है, तो उस लड़की की आंखों में मैंने पानी देखा, उसको लगा कि उसके सपने टूट रहे हैं। अब पता नहीं वो उसकी तकदीर थी या मेरी तकदीर थी, उसकी वो फीलिंग में समझ गया। मैंने कहा ठीक है साहब, 5 मिनट पर चाय पी, मैंने कहा ठीक है साहब ये बच्ची आप छोड़ जाओ। वो बच्ची रुकी हमारे पास, 12वीं में उसकी राजस्थान बोर्ड की मेरिट आई, 12वीं में उसका सिलेक्शन AITEE में हो गया था। हमने कहा बेटू एक चांस और ले, उसको एक चांस और दिया, उसने IIT की तैयारी की, उसका IIT में सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन साथ साथ इसरो में हो गया था, इसरो जहां डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जहां पहले पढ़ाते थे, जो स्पेस की टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा है जहां कलाम साहब आज भी पढ़ाते हैं। कलाम साहब कहते हैं मैं जब भी टाइम मिलता मैं इसरो में पढ़ाना पसंद करता हूं। उस लड़की ने इसरो से डिग्री की और अब्दुल कलाम साहब की प्रिय स्टूडेंट है वो। अगली बात अब्दुल कलाम साहब के साथ पता नहीं उसके कितने वीडियोस पढ़े यूट्यूब पे, अब्दुल कलाम साहब की प्रिय बच्ची है वो। और दोस्तों आज वो लड़की 2 साल पहले भास्कर अखबार ने एक इंडियन वुमेन्स के नाम पे एक 30 महिलाओं की लिस्ट बनाई थी पूरे हिंदुस्तान से, उस लिस्ट में बच्ची थी वो। उस बच्ची को भास्कर ने इंडियन वुमेन्स को जो सिलेक्शन किया उसमें लड़की थी, तब वो लड़की इसरो हैदराबाद से, वो सम्मान उसका दिल्ली में हुआ तो पहली बार उसकी वो मां उसके फादर जो झाड़ू पोछा और चौकीदारी करते थे उनको हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। वो हवाई जहाज से बैठ के दोस्तों वहां गए, उस बच्ची का सम्मान हुआ। आज वो बच्ची बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में 27 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब करती है और अपने माता पिता को साथ रखती है। दोस्तों आपको कब लगता है कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए आप ये दिमाग से निकाल देना कि संसाधन तो मुझे जो चेहरे दिख रहे हैं दोस्तों मैं बचपन दिख रहा मेरा आप लोगों में कहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन रीना यादव नाम उस बच्ची का हनुमानगढ़ लोग जानते हो, पता नहीं कितनी बार उसकी खबरें अखबारों में छपी है, कितनी बार उसको आज आधे पेज का कवरेज मिला है राजस्थान लेवल पे। उस लड़की ने कभी पलट के नहीं देखा कि मेरी समस्या क्या है। वो एक ही बात करी, बॉस आपने मुझ पर विश्वास करके, मेरे बच्चे बॉस कहते हैं मेरे को कि बॉस आपने मेरे पे विश्वास किया है मैं आपके विश्वास पे खरीद करूंगा। दोस्तों जो अगला गुरु मंत्र है वह वफादारी, वह आस्था, वह विश्वास।